मुस्लिम कोटा समाप्त किया क्योंकि यह असंवैधानिक था, अमित शाह। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बेंगलुरु में विधानसभा के सामने 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर और बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की प्रतिमा के अनावरण के दौरान कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोटा को संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए कहा कि शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। शुक्रवार के फैसले में ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया और प्रमुख वोकालिगा और लिंगायत समुदायों के बीच समान रूप से वितरित कर दिया गया। लिंगायत जो राज्य का 17% हिस्सा बनाते हैं और वोकालिगा जो 15% शामिल हैं। कर्नाटक के दो सबसे शक्तिशाली समुदाय हैं और निर्वाचन क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से में उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से चुनौती को दूर कर सत्ता बरकरार रखना चाह रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा तुष्टिकरण में विश्वास नहीं करती है, इसलिए इसने आरक्षण को बदलने का फैसला किया। 1984 में एचडी देवगौड़ा की नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण तय किया और इस आशय का एक आदेश 1995 में पारित किया गया। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों की 4 श्रेणियां हैं, 2A, 2B, 3A और 3B। इन समुदायों को श्रेणियों के आधार पर नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में अधिमान आरक्षण मिलता है। 2A श्रेणी में सबसे पिछड़े शामिल हैं, इसके बाद 2B, 3A और 3B आते हैं। EWS श्रेणी में वर्तमान में ब्राह्मण, जैन, आर्य, वैश्य, नागरत और मोदलियार शामिल हैं जो राज्य की आबादी का लगभग 4% है। अब मुस्लिम समुदाय जो राज्य की आबादी का लगभग 13% है को इस समूह में जोड़ा जाएगा। हालांकि केवल वे लोग जो 8 लाख रुपए से कम के कुल वार्षिक आय वाले परिवारों से हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है और 1000 वर्ग फुट से कम का घर आरक्षण के लिए पात्र होगा।